हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं सीना ट्रेडर्स बनारस से आज आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो उषा कंपनी की 1/12 हॉर्स पावर की मोटर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। इससे पहले उषा की हमने डोमेस्टिक मोटर पे वीडियो बनाया हुआ था 1/20 हॉर्स पावर पे, छोटी मोटर थी वो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये आज जो हम वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये अपना जो है बड़ी मोटर होती है, 1/12 हॉर्स पावर की कमर्शियल मोटर होती है, जिससे आप अम्ब्रेला मशीन में, पिको मशीन में 8-10 घंटे लगा के काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कार्टून पे ही पहले लिखा होगा इंडस्ट्रियल। ये हैवी ड्यूटी मोटर होती है। इसमें जो वारंटी होती है फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन सेल में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी कोई टोल फ्री सर्विस नहीं है। दुकान से आप ख़रीदेंगे तो दुकान से आपको इसकी वारंटी मिल सकती है। कॉपर मोटर है फ्रेंड्स, इस पर साफ साफ लिख दिए हुए हैं कंपनी वाले, कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे। इतनी महंगी मोटर होती है, 2200 इसकी MRP होती है फ्रेंड्स, तो महंगी मोटर है लेकिन बहुत ही शानदार मोटर। पहले मैं आपको इसके कार्टून पे जितनी चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ, फिर मोटर अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो आप देखेंगे प्रो लिखा होगा स्विंग मशीन मोटर, यह प्रोफेशनल मोटर है। ज़बरदस्त स्पीड है, डबल बॉल बेयरिंग है और वर्ल्ड क्लास वार्निशिंग। इसमें वार्निशिंग बहुत अच्छी इन्होंने यूज़ किया है डॉक्टर बेक की, और लो वोल्टेज पे भी आराम से चल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग खोलते हैं, इसकी MRP वगैरह आपको दिखा देते हैं। 2200 इसकी MRP है और इंडिया में ही ये बनी हुई मोटर है। 145 वॉट बिजली ये लेगी। स्पीड इसकी 8,500 RPM है, काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड है। पूरे पावर में, पूरे स्पीड में चलेगी ये मोटर आपकी। ठीक है, खोलिए। पैकिंग भी बहुत अच्छी है उषा की मोटर की आती है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे कमर्शियल हो, थर्मोकोल पैकेजिंग में रहता है, इसलिए जाने में आपको किसी तरह कोई नुकसान नहीं होगा। ये बहुत अच्छी थर्मोकोल पैकिंग है। इनका रेगुलेटर है, बहुत हैवी रेगुलेटर दिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। इतना ज़्यादा प्राइस है, उसी हिसाब से जो है मोटर इन्होंने बनाया हुआ है। कंप्लेन तो इसमें ज़ीरो है, कोई कंप्लेन नहीं आती। हम लोग इतनी मोटर बेच दिए, कभी कोई कंप्लेन ही नहीं आती है। इसमें आपका पैकिंग में होता है, थर्मोकोल इतनी अच्छी लगाए हुए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज़ें बहुत आराम से आपके पास पहुंच जाएगी। खोलिए प्लास्टिक में। ये इसके साथ एक बुक आपको मिल जाएगा। ये इसका क्लैंप है जिस पे ये मोटर आपकी कसा सकती है। ऐसे इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन तो ये है फ्रेंड्स कि इसके साथ इसको आप कनेक्ट कर दें और छोटी बेल्ट लगा लें इसमें, और ये मोटर जो है मशीन के यहाँ बॉडी में कसा जाएगी, तो मोटर आपकी इस साइड रखा जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इसको आप खोल लीजिए, ये जो यहाँ कसा हुआ है चारों पेज खोल लीजिए और इस मोटर को इसके ऊपर रख लीजिए। तो ये मोटर जब इस पर आप रख लेंगे तो जैसे ये मशीन आपकी है तो इस तरह से आपकी मोटर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर मोटर फिट हो जाएगी पटरे पर, और लंबी आपको फिर बेल्ट लगाना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन आपको इसमें, इस मोटर में मिल जाएगा। बेल्ट लेकिन ये आपको बड़ी लेना पड़ेगा अगर आपको मोटर पटरे पे कसना है तो। कलर बहुत खूबसूरत है, एकदम पाउडर कोटेड पेंट दिए हुए हैं ब्लैक कलर का, और लेबल भी जो है ब्लैक कलर की यूज़ किए हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये ब्लैक कलर की लेबल है और रेड कलर की इनकी ब्रांडिंग, काफ़ी स्टाइलिश लुक है मोटर का। पावरफुल और मज़बूत तो है ही ये मोटर, साथ साथ स्टाइलिश भी है। ये आपका लिड देखें, 3-पिन की आपकी इसमें लिड दिए हुए हैं, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की लिड होती है वो इस्तेमाल करते हैं उषा वाले। और रेगुलेटर भी भारी है फ्रेंड्स, ये लुधियाना वाला रेगुलेटर है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। इसमें जो दिल्ली के रेगुलेटर आते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं, इतने हैवी नहीं होते हैं, ये हैवी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं एक बार इसको चला के भी आपको दिखा देता हूँ। पहले आप इसका कनेक्शन कर लीजिए। मोटर ये आपकी चॉइस है कि आप उसको पटरे पे कसें या मशीन में कसें, इसको वायरिंग कर दीजिए अपना। फुल स्पीड ज़बरदस्त है, देखते हैं कितनी स्पीड काम कर रही है।
ये पहली स्पीड है, लेकिन पहली भी स्पीड में आपकी मोटर काफ़ी तेज़ी चलेगी। ये दो स्पीड यहाँ हो रही है आपके, हाँ तीन स्पीड है फ्रेंड्स। आमतौर पे जो दिल्ली वाली जो मोटरें होती हैं उसमें आपको दो ही स्पीड मिलेगी, उसमें आपका जो है मीडियम और हाई स्पीड भागता है, लेकिन इसमें आपका जो है थोड़ा तीन स्पीड चल रहा है आपका। ये पहला स्पीड यहाँ पे पकड़ रहा है, ये यहाँ पे आते आते दूसरी स्पीड ले ले रहा है, ये तीसरी स्पीड पे आ जा रहा है। तो तीन स्पीड है इसके अंदर, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको बस ऐसे दबाइए और पैर हटा लीजिए। धीरे धीरे ऐसे दबाएंगे, ऐसे चलाएंगे तो ही मशीन यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो अगर आप पूरा दबा के पैर छोड़ देंगे ना तो मशीन इतनी तेज़ भागेगी कि आपसे कंट्रोल ही नहीं होगा फ्रेंड्स। सब पे देखेंगे आप कमर्शियल लिखा होगा, क्योंकि ये जितनी भी कमर्शियल मशीन होती है उन कमर्शियल मशीन में ही ये चलाने के लिए मोटर है। बाकी डोमेस्टिक घरेलू मशीन है तो आप इतनी पावरफुल मोटर मत लगाइए। अगर इतनी पावरफुल मोटर आप लगा देंगे डोमेस्टिक मशीन में तो मशीन के सामान ही कट जाएंगे आपके। ये आपका फिटिंग का इसमें दिया हुआ है और इसके अंदर कुछ पेंच है क्या, जरा खोलिए तो इसको। ऐसे इसमें बारीक पेंच दिए हुए हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप नट बोल्ट लगा दीजिए, मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका अच्छा, दो आपको कार्बन भी साथ साथ कंपनी दे देगी। अच्छा, ये आपका चारों जो दिया हुआ है, हाँ ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मतलब इसको आप खोल करके जो है इसका अलग दिया हुआ है, और इसको अगर आपको कसना है तो इसके हिसाब से अलग पेंच दिया हुआ है। ये दोनों पेंच अलग अलग हैं, इसीलिए ये दिया है कि अच्छे से बैठ जाए आपका। लेकिन इसको जब आप कसें अगर पटरे पे फ्रेंड्स, तो इसको आप जो है ना यहाँ पे बीचों बीच जो है दो होल करें, यहाँ बीचों बीच एक होल, यहाँ एक होल यहाँ, ताकि फिर बेल्ट अगर आपको मान लीजिए छोटी भी मिलती है तो आप इसको आगे कर सकते हैं। और मान लीजिए फिर आपने यहाँ छेद कर दिया और बेल्ट लंबी मिल गई तो आप इसको थोड़ा सा नट बोल्ट ढीली करके थोड़ा सा इसको पीछे कर लें। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप पेंच से ना कस के यहाँ पे दो ड्रिलिंग करके दो जगह, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, ऐसे करके छेद कर दीजिए। तो ये आपका जो है प्लेट आगे पीछे सब, बाकी तो ये सिंपल सा है। ये कैसे लगेगा थोड़ा सा इसको लगा दी तो लो, मैं बता ही दूँ तो मोटर आप ख़रीदेंगे फिर आपसे लगे ना, तो आपको साथ ही साथ वीडियो में ये भी बता देते हैं कैसे लगेगा। ये आसान है, लेकिन एक नज़र आप देख लेंगे तभी आसान रहेगा। ठीक है, अच्छा पहले इसका नट खोल लेना है। अच्छा, इसमें चूड़ी बनी हुई है फ्रेंड्स, इसको दूसरे साइड से आप लगा के कस लीजिए। इसको जरा लगा के दिखाओ, इसकी हम बुक है तब तक आपको दिखाते हैं। मोटर का सीरियल नंबर वगैरह, कैश मोमो नंबर, डीलर आमतौर पर इसको कोई भरता होता नहीं है फ्रेंड्स। दो साल की वारंटी, आप दुकान से ख़रीदेंगे तो दो साल की वारंटी मिलेगी, या उषा कंपनी के जो है सर्विस सेंटर पे जाएंगे तो मिलेगी फ्रेंड्स। हम लोग से अगर आप लेंगे तो आपको वारंटी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं यहाँ पे कैसे लगेगा। जी ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही आपका लग जाएगा बस। अब ये जो बेल्ट होगी छोटी वाली, जो आपने ये बेल्ट देखा है, ये बेल्ट इसी चक्के में आप यहाँ पहना दीजिए और फिर इसके ये हिस्से में पहना दीजिए। हाँ लाई जैसे बोल हुए दिखा दें कैसे कसाया हुआ है। हाँ फ्रेंड, ये तो जो जैसे लगा रहेगा इसको आप मत छिड़िए, जैसे है उसको लगा रहने दीजिएगा,
इसको लगने के बाद इसके पीछे से ये जो आपको एक्स्ट्रा अलग से मिला है इसको आप पीछे से लगा के और हाँ ये नट को यहाँ से कर दीजिए, ये यहाँ पे नट कस आ जाएगा। ये है इसका तरीका, ये यहाँ से एल शेप में इधर आ रहा है जो मोटर में पहले से कसा रहेगा, और उसी तरह एल शेप में आप देख रहे हैं यहाँ ये ऐसे जाके अंदर जा रहा है, और फिर यहाँ पे बाहर साइड से आप पेंच कर दीजिए। तो कसने में थोड़ा सा गलती हो जाती है, इसीलिए आप उसको जब कसेंगे और फिर उसको वहाँ पे मशीन में लगा के चेक कर लीजिए। आसान है, वीडियो से तो देख करके आपको और सहूलियत मिलेगी, आसानी मिलेगी। इसी उम्मीद पर हम लोग वीडियो बनाते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके काम आए। शुक्रिया दोस्तों।